कॉल 198। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं करने वाला हूं अनबॉक्सिंग और रिव्यू फायरबोल्ट की ब्रांड न्यू स्मार्टवॉच फायरबोल्ट डैगर का, जो कि बहुत ही एग्रेसिव प्राइस पे लॉन्च होने वाली है। और इस बात का एक रीजन है दोस्तों, क्योंकि कुछ टाइम पहले स्मार्ट वॉचेस जो एमोलेड डिस्प्ले, मेटल बिल्ड क्वालिटी और डिसेंट डिस्प्ले के साथ आती थी, उन स्मार्ट वॉचेस का प्राइस जनरली 4 से 5 हज़ार होता था। लेकिन आप गेस करिए कि इस स्मार्ट वॉच का प्राइस कितना है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं आपको एक हिंट देना चाहूंगा कि ये स्मार्ट वॉच अंडर 3500 रुपीस के प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हो रही है। इसमें आपको 1.43 इंचेस का लार्जेस्ट एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है सर्कुलर डायल में, और मेटल बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है। और इसके अलावा भी कई सारे अमेजिंग फीचर्स है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर अपना गेस प्राइस बता दीजिएगा। वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप इसको बेस्ट प्राइस और डिस्काउंट पे बाय कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका बेस्ट बाइंग लिंक है। बाकी मैं आज की वीडियो में आपको हर बार की तरह इसका डिटेल रिव्यू दिखाऊंगा, चाहे वो इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन हो, वॉच हो, ऐप इंटरफेस हो, या फिर एंड में इसके हेल्थ सेंसर्स की एक्यूरेसी क्यों ना हो। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि क्या आपको स्मार्ट वॉच बाय करनी चाहिए या नहीं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक टेक मंजिल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम ऐसी लेटेस्ट प्रोडक्ट्स की वीडियो सबसे पहले यूट्यूब पे ले आते हैं। और हमारे चैनल पे जाके चेकआउट करिए, कितने सारे लेटेस्ट लॉन्चेस की वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाली, और शायद किसी और यूट्यूब चैनल पे आपको इतने सारे लेटेस्ट प्रोडक्ट्स की हर ब्रांड्स की तरफ से कोई भी वीडियो नहीं मिलती होगी। तो इसी बात पे आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और बेल आइकन पे जरूर प्रेस करना चाहिए, ताकि आपकी कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दोस्तों इस वीडियो लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स, जरूर उसको अचीव करवा दीजिएगा, क्योंकि संडे को भी बैठ के आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो इतनी मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए करते हैं, तो अगर आप एक लाइक कर देंगे तो उस समय काफी मोटिवेशन मिलेगा। तो जल्दी से अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें बॉक्स के ओवरव्यू की, तो जैसा आप इधर देख सकते हैं, इसमें आपको मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड, 1.43 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले, ब्लूटूथ कॉलिंग, एनएफसी एक्सेस मिल जाता है, जिसके बारे में आगे मैं डिटेल में बताऊंगा। जिंक अलॉय की कंप्लीट मेटल बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है। लेफ्ट साइड में आपको कुछ की फीचर्स मिल जाएंगे, जिसमें सबसे हाईलाइटिंग फीचर है 178 डिग्री का व्यूइंग एंगल, यानी कि दोस्तों डिस्प्ले बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। दूसरी साइड पे भी आपको कुछ फीचर्स और फायरबोल्ट की ब्रांडिंग दिख जाएगी। बैक साइड में की हाइलाइट्स, और जैसा मैंने बताया ये 19000 रुपए का प्राइस देख के बिल्कुल भी मत डरिए, अंडर 3500 की कैटेगरी में इसको लॉन्च किया जा रहा है। तो जल्दी से अब अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं क्या-क्या इसके बॉक्स के कंटेंट्स। तो जैसा आप देख सकते हैं काफी अमेजिंग पैकिंग में यहाँ पे हमारी स्मार्ट वॉच आ गई, जिसको अभी साइड में रख देते हैं। और इस बार काफी यूनिक पैकिंग लग रही है, क्योंकि स्ट्रैप्स इस बार फायरबोल्ट ने अलग से दिए हैं पैक करके, जो कि क्वालिटी में काफी अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मैग्नेटिक चार्जिंग केबल मिल जाती है, जिसकी बिल्ड क्वालिटी डिसेंट लग रही है हर बार की तरह। और इधर आपको एंड में पेपर वर्क और मैनुअल मिल जाती है, जिसकी अभी आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं डिटेल में आपको सेटअप दिखाने वाला हूँ, जो कि यूट्यूब पे कोई भी आपको नहीं दिखाता। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं मैंने इसके स्ट्रैप्स लगा दिए, और काफी ज्यादा ऑसम लग रही है स्मार्ट वॉच। बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की बात करें तो प्रीमियम मेटल लुक आ रही है स्मार्ट वॉच में, कंप्लीट मेटल की बिल्ड क्वालिटी से स्मार्ट वॉच काफी ज्यादा हैवी और प्रीमियम लग रही है। और अगर बात करें स्ट्रैप्स की भी क्वालिटी, तो इस बार वो काफी ज्यादा सॉफ्ट लग रहे हैं मुझे पिछले स्ट्रैप्स के कंपैरिजन में, और बहुत ही ज्यादा प्रीमियम कैटेगरी की स्मार्ट वॉच लग रही है ये। अगर आप इसको हाथ में पहन के घूमेंगे, कोई भी आपको ये नहीं कह सकता कि ये अंडर 3500 की स्मार्ट वॉच है। ऐसी बिल्ड क्वालिटी जनरली 10000 के आसपास के बजट वाली स्मार्ट वॉचेस में देखने को मिलती है। अब अगर बात करें डिजाइन की, तो जैसा आप देख सकते हैं इधर आपको डुअल बटन डिजाइन मिल जाता है, जिनका पर्पस आगे वीडियो में बताऊंगा। बैक साइड में आपको सारे डेडिकेटेड सेंसर्स मिल जाते हैं इंडिविजुअली, और साथ ही साथ चार्जिंग पोर्ट दिख जाएगा, फायरबोल्ट की ब्रांडिंग दिख जाएगी, और बहुत ही ज्यादा अच्छे स्ट्रैप्स के कनेक्टिविटी वाला पार्ट भी मेटल का मिल जाता है। तो दोस्तों ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, भले ही बजट कैटेगरी में लॉन्च हो रही हो। और साथ ही साथ इसमें आपको स्पीकर्स और माइक मिल जाते हैं, जस्ट बिकॉज ये ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच है। तो अब जल्दी से इसको बूट करते हैं और देखते हैं कैसी इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी, फिर मैं आपको इसकी ऐप के साथ भी पेयर करके दिखा दूंगा। तो जैसा आप देख सकते हैं मैंने अपनी स्मार्ट वॉच को पेयर कर लिया। अब मैं इसकी ऐप डाउनलोड करता हूँ, फिट क्लाउड प्रो, जो कि काफी नई ऐप है, और उसका आपको रिव्यू भी दिखाऊंगा। तो जल्दी से इसको पेयर कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा आप इधर देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फिट क्लाउड प्रो ऐप डाउनलोड कर लिया, और इसमें भी आपको लॉग इन करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सिंपली यहाँ पे ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन करके सर्च पे क्लिक कर सकते हैं, और एंड में आपको दिख जाएगी फायरबोल्ट 109, और उसके साथ विद इन सेकंड्स क्लिक करती है पेयरिंग हो जाएगी। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेप्ट करने की रिक्वेस्ट आ गई, और बाइंडिंग स्टार्ट हो गई, और हमारी ऐप कनेक्ट हो चुकी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सिंगल चिप टेक्नोलॉजी होने की वजह से यहाँ पे आपको पेयर एंड कनेक्ट की रिक्वेस्ट डायरेक्टली ऊपर आ जाएगी, और आप ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर पाएंगे विद इन सेकंड्स। और अब मैं इसका ब्लूटूथ कॉलिंग, माइक, वॉइस असिस्टेंट सब कुछ यूज कर पाऊंगा। तो इनडायरेक्टली इतना इजी सेटअप प्रोसेस था दोस्तों, और मैंने आपको वो डिटेल में दिखा दिया है। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गई हमारी मेन स्मार्ट वॉच, जिसका डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा ऑसम है, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले में आ जाती है। मैं इसको थोड़े टाइम से टेस्टिंग कर रहा हूँ, और साथ ही साथ इसमें आपको मिल जाता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, जो कि कलर्ड मोड के साथ आ जाता है। तो इधर आप देख ही सकते हैं डिजिटल ऑलवेज ऑन डिस्प्ले लगाया हुआ है कलर्ड मोड, और साथ ही साथ आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, और कभी भी वॉच फेसेस को चेंज भी कर सकते हैं। और इधर आप देख ही सकते हैं कि इसका जो पिक्सल रेजोल्यूशन है वो बहुत ही ऑसम है, 326x326 का पिक्सल रेजोल्यूशन मिल जाता है, और टच सैम्पलिंग भी काफी ज्यादा अच्छी है। अब बात करते हैं इसके मेन हाईलाइट की, जो कि है दोस्तों ब्राइटनेस। इसकी ब्राइटनेस अभी मैंने मिनिमम की हुई है, और मैक्सिमम ब्राइटनेस में आपकी आंखें फट जाएंगी, क्योंकि इसकी 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको आउटडोर्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगी, जैसा आप इधर देख ही सकते हैं। तो अभी मैं ब्राइटनेस को मिनिमम कर देता हूं, क्योंकि इंडोर्स में मेरा काम बड़े आराम से चल जाता है। तो अब अगर बात करें वॉच फेसेस की, तो यहां पे आप वॉच फेसेस को चेंज कर सकते हैं लॉन्ग टैप कर
करके डिफरेंट वॉच फेसेस की ऑप्शन आपको इधर दिख जाएगी। अभी मुझे जेन्युइन वॉच फेस काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, बिल्कुल एच टू एच डिस्प्ले। सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि फ्रंट पे आपको जो प्रोटेक्शन दी गई है उससे बेजल्स बिल्कुल हाइड हो जाते हैं। और अब अगर बात करें लेफ्ट स्वाइप करते क्या मिलता है, तो सबसे पहले स्टेप्स कैलकुलेटर, हार्ट रेट मॉनिटर, स्लीप मॉनिटर, वेदर अपडेट्स और उसके बाद म्यूजिक कंट्रोल मोड दिख जाएगा। इधर से आप कंपोनेंट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से और कस्टमाइज ऑप्शन तो देता ही है फायरबोल्ट। लेफ्ट स्वाइप करती आपको मेन्यू दिख जाएगा और नीचे स्वाइप करती वही बेसिक शॉर्टकट्स दिख जाएंगे जहां पे आपको सारे बेसिक फीचर्स दिख जाएंगे। और अब अगर बात करें ऊपर स्वाइप करती क्या मिलता है, तो यहाँ पे आपको वही मैसेजेस और नोटिफिकेशंस की ऑप्शन मिल जाएगी। और अगर बताऊं बटन्स का क्या पर्पस है, तो इस बटन से आप डायरेक्टली मेन्यू पे जा सकते हैं और इस वाले बटन से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं स्मार्ट वॉच को। जैसा आप देख सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मोड आ गया। तो अब बात करते हैं मेन्यू में जाके क्या क्या मिल जाता है। तो सबसे पहले टेलीफोन का फीचर मिल जाता है, तो अब इधर आई गए तो मैं आपको स्पीकर्स की क्वालिटी डिटेल में दिखा देता हूँ। तो जैसा आप इधर देख सकते हैं यहाँ से आप कॉल की वॉल्यूम को डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने आपको म्यूट करके कॉल को एंड भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल स्पीकर्स की क्वालिटी डिसेंट है। इसी तरह से आप सॉन्ग्स वगैरह भी इसमें इजीली प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट्स वगैरह सेव कर सकते हैं, कॉल रिकॉर्ड, वॉइस असिस्टेंट जिसका लाइव डेमो मैंने आपको इंट्रो में दिखा दिया था। वर्कआउट मोड्स की बात करें तो यहाँ पे आपको सफिशियंट वर्कआउट मोड्स मिल जाते हैं, डिफरेंट स्पोर्ट्स मोड मिल जाएंगे कैटेगरी वाइज। और उसके बाद यहाँ पे आपको IP68 की वाटर रेजिस्टेंस भी मिल जाती है जो कि काफी अच्छी बात है। बेसिक हेल्थ सेंसर्स मिल जाएंगे, फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग मिल जाएगी, साथ ही साथ स्टॉप वॉच, अलार्म जैसे बेसिक फीचर्स भी आपको सारे यहाँ पे दिख जाएंगे। गेम्स इस बार यहाँ पे नहीं दी गई है, मैं आपको पहले बता दूं। और सेटिंग्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको तीन डिफरेंट मेन्यू स्टाइल्स मिल जाएंगे। अभी मैं ये वाला लगा के देखता हूँ कि कैसा लगता है। तो जैसा आप इधर देख ही सकते हैं ये रोटेटिंग मेन्यू क्राउन यहाँ पे मिल जाएगा जो कि काफी ज्यादा अच्छा लगता है राउंड डायल स्मार्ट वॉचेस में। आगे आपको डिस्प्ले की अगर बात करें तो यहाँ पे बेसिक सेटिंग्स मिल जाएंगी, रेस टू वेक वगैरह की, स्क्रीन टाइम बढ़ाने की या कम करने की, और एंड में आपको बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, लैंग्वेज सिलेक्शन, सेट टाइम और साथ ही साथ सिस्टम में पावर ऑफ रीसेट वगैरह की ऑप्शन दिख जाएगी। तो ओवरऑल दोस्तों वॉच का UI बहुत ही जबरदस्त है। सबसे अच्छी बात है दोस्तों इसका AMOLED डिस्प्ले जो कि इस वॉच के UI पे बहुत ही ज्यादा चार चांद लगा रहा है और काफी ज्यादा स्मूथ UI है, मुझे कहीं पे भी लैग नहीं दिखा। अब देख लेते हैं कैसी स्मार्ट वॉच के हेल्थ सेंसर्स की एक्यूरेसी एक प्रोफेशनल ऑक्सीमीटर के साथ कंपेयर करके। तो सबसे पहले अगर बात करें हार्ट रेट मॉनिटर की, तो जैसा आप इधर देख सकते हैं काफी ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा और जैसे जैसे स्मार्ट वॉच में चेंज हो रहा है वैसे यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो मेरे हिसाब से हार्ट रेट मॉनिटर की डिसेंट एक्यूरेसी है यहाँ पे। और अगर बात करें SpO2 मॉनिटर की, तो यहाँ पे एक्जैक्टली सेम रीडिंग दिख रही थी अभी और प्लस माइनस वन का डिफरेंस आपको दिख जाएगा। और वैसे भी मैं कहता हूँ कि आपको मेडिकल ग्रेड डिवाइसेस का यूज करना चाहिए। तो फाइनली अब अगर बात करें स्टेप्स कैलकुलेटर की एक्यूरेसी की, तो मैंने इसको पहन के 100 स्टेप्स चले थे और इसने कैलकुलेट किया 102 स्टेप्स। तो मेरे हिसाब से स्टेप्स कैलकुलेटर की एक्यूरेसी काफी डिसेंट है और यहाँ पे आपको डिटेल्ड ऑप्शंस भी दिख जाएंगी। फाइनली अब अगर बात करें कंक्लूजन की, कैसी लगी है मुझे फायरबोल्ट की लेटेस्ट स्मार्ट वॉच फायरबोल्ट डैगर। तो जैसा आप देख सकते हैं इसमें आपको कलर्ड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ साथ रेस टू वेक का फीचर भी मिल जाता है इनबिल्ट, और बिल्कुल एच टू एच डिस्प्ले वाली AMOLED स्मार्ट वॉच अगर आप देख रहे थे डिसेंट बिल्ड क्वालिटी के साथ आने वाली और मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट लुकिंग प्रीमियम स्मार्ट वॉच अंडर 4000 रुपीज के प्राइस पॉइंट पे, तो आप डेफिनेटली स्मार्ट वॉच के लिए जा सकते हैं। इसका लॉन्च ऑफर है 3499 रुपीज ओनली जो कि बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है दोस्तों मेरे हिसाब से अभी तक की मोस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्ट वॉच है। डिस्क्रिप्शन में इसका बेस्ट बैंक लिंक दिया हुआ है, जरूर जाके इसको चेकआउट करिए और अगर आप बाय करना चाहते हैं तो कर लीजिए क्योंकि आगे जाके डेफिनेटली इसका प्राइस 4 से 5 हजार के बीच में हो जाएगा। तो दोस्तों आशा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा पार्ट फेवरेट था स्मार्ट वॉच है इस वीडियो का। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आपने टेक मंजिल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो, क्योंकि इसके बाद भी 3 से 4 नई स्मार्ट वॉच की वीडियो आने वाली है। थैंक यू दोस्तों।